तो निर्भया कांड को 2 साल हो गए, चलो अभी तो अमल होगा, अमल होगा, कब अमल होगा? अगर खौफ उनके मन में पैदा करना चाहिए, और ये कैसे पैदा किया जा सकता है ताकि लड़कियां आगे के जमाने में सेफ रहें? हम उम्मीद करते हैं कि जो बराबर में बैठा है या बैठी है उसके साथ जो हुआ है वो पहले आवाज बुलंद करे, फिर मैं धीरे से आवाज करूँ। ये बहुत बड़ी नेसेसिटी है माइंड सेट चेंज करने के लिए। 52% बच्चों ने ये कहा कि उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ। Who will marry that girl? Which boy will accept her? किसी दिन किसी रात मेरी बारी तो नहीं। माइंड सेट आपको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। आखिरकार कब तक हम कहते रहेंगे निर्भया केस को लेकर कि लड़ाई अभी बाकी है?